आप इनके साथ हैं? जी डॉक्टर। इनकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है, इन्हें मेंटल स्ट्रेस, मानसिक आघात हुआ है। इनके घर परिवार में से कोई आया नहीं है क्या? जी नहीं, ये तो महिला नवजीवन आश्रम से है। वाइसी, अरे वो महिला आश्रम की वार्डन है ना सरला देवी, उन्हें बुलाइए ना। वो यहाँ हॉस्पिटल में नहीं है डॉक्टर साहब। जब ये हॉस्पिटल में आई तो बेहोश थी, इनके साथ आश्रम की एक दो महिलाएं थी। नर्स, मुझे इनका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगता है। याद आया, ये तो पहले भी हमारे हॉस्पिटल में आ चुकी है ना। इनकी डिलीवरी भी इसी हॉस्पिटल में हुई थी ना। इनका वो बच्चा कहाँ है? बच्चे के कारण ही इसकी ये हालत हुई है। इसके बच्चे को गोद दे दिया गया है। What? ये बार-बार जो करण का नाम लेकर पुकारती है, ये इसके बेटे का नाम है। देखिए, मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, लेकिन होश में आने पर फिर इनकी यादें ताजा होगी, फिर इन्हें हिस्टीरिया पड़ेगा, फिर इनकी तबीयत बिगड़ेगी। नर्स, तुम कहीं जाना नहीं, यहीं रहना, ओके? क्या सरला देवी आश्रम में नहीं है? जी नहीं। अरे आश्रम में कोई तो जिम्मेदार आदमी होगा, इनका अपना कोई नहीं है क्या? स्वामी जी, ऐसे समय में कुंती जी का कोई अपना साथ नहीं, उन पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। और कभी कभी तो मुझे बजरंगबली पर क्रोध आ जाता। क्यों? क्रोध क्यों? ये भी कोई बात हुई कि उनके सहारे छीन लेना और उन्हें रुलाना। अगर सब कुछ छीन लेना तो फिर दिया क्यों था? शिष्य, मैं तुम्हारी भावनाओं को अच्छी तरह से समझता हूँ। ये जीवन में सुख दुख दिन रात की तरह आते हैं और बीत जाते हैं। कुंती के जीवन में सौभाग्य का सूर्योदय होगा और अवश्य। लेकिन कब स्वामी जी? आपको मालूम नहीं उनके साथ कितना बड़ा अनर्थ हुआ है। जानते हैं स्वामी जी, उनके बेटे का पिता, जिसे ढूंढने हम नागपुर तक गए थे, उसने किसी और से शादी कर ली। कुंती को वो आदमी नहीं मिला? नहीं स्वामी जी, जब तक हम लोग पहुंचे तब तक शादी हो चुकी थी। और वहां से लौट के आए तो पता चला कि कर्ण को गोद दे दिया गया। ये कुंती के जीवन की परीक्षा है, दुखद परीक्षा। ये घटनाएं जो कुंती के जीवन में घट रही हैं, ये असहनीय है। परिस्थितियां कुंती को असहाय कर दी। स्वामी जी, मुझे तो उन पर बड़ी दया आ रही, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। ऐसी स्थिति में तुम क्या? कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। कुंती को भाग्य के भरोसे छोड़ने के सिवाय और कोई चारा नहीं। जानते हैं स्वामी जी, ये सब उस आदमी की वजह से हुआ जिसको कुंती जी ने सर्वस्व सौंप कर प्यार किया। उसने कुंती की भावनाओं के साथ, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ किया है। उसने स्त्री का अपमान किया है और उसे कभी सुख प्राप्त नहीं होगा। लेकिन स्वामी जी, इस दुख से कुंती जी को मुक्ति कैसे मिलेगी? कुंती अभिशापित है शिष्य, जन्म से लेकर अभी तक उसे कोई सुख प्राप्त नहीं। उसे ये यातना, लांछन, मानसिक संकट और संघर्ष के साथ ही जीना। लेकिन स्वामी जी, ऐसे में जिएंगे कैसे? हॉस्पिटल तक पहुंच गई। क्या कुंती हॉस्पिटल में है? कर्ण के जाने का समाचार सुनते ही वो आश्रम में बेहोश हो गई। और ये बात तुम मुझे इस समय बता रहे हो? शिष्य, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं कुंती का धर्म पिता हूं और ये मेरा दायित्व। ऐसे समय में जब सरला जी भी यहां नहीं है, मुझे वहां रहना चाहिए। मुझे कुंती को देखने तुम्हारे साथ अभी चलो। ये क्या सूरत बना ली है अपनी? चली गई मेरी बेटी, ले गए उसे।
तुम्हें मालूम नहीं था? अच्छा, जब वो उसे लेकर जा रहे थे तो वो रोई तो नहीं थी ना? वो तो नहीं रोई थी, लेकिन तू उसके लिए बहुत रोई है मन। कि तेरी आंखें बता रही है, मेरी आंखों की छोड़ो, ये आंसू उसके हिस्से के थे। सुन, अच्छा हुआ चली गई, अच्छा पहनेगी, अच्छा खाएगी, अच्छा भविष्य बन जाएगा उसका। लेकिन उसके जाने की तकलीफ मुझे बहुत हो रही है, ये हम सभी महसूस कर रहे हैं। पैदा किया था मैंने उसे, तकलीफ तो होगी ना, इसलिए मुझसे वो समारोह देखा नहीं गया और मैं मंदिर में जाकर बैठ गई। प्रभा, तुमने तो अपनी बेटी का जाने का दुख सहन कर लिया, क्योंकि उसका बेटा कर्ण चला गया ना, कर्ण चला गया ना, कर्ण चला गया, उसे जाना था, चला गया। एक माँ रोए, चीखे, चिल्लाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक आश्रम का नियम माँ की ममता से बड़ा है। हम लोगों ने खुद नहीं, अपनी आंखों से तुम्हारी बेटी और कर्ण को इस आश्रम से जाते हुए देखा है। देख सके तुम्हारे खुद अपना बच्चा नहीं है। कुंती कैसी है? उसकी तबीयत तो बहुत खराब हुई होगी, वो हॉस्पिटल में है ना? तुम्हें कैसे पता चला वो हॉस्पिटल में है? इतना सब हो जाने के बाद वो तो दो ही जगह जा सकती थी, या भगवान के पास या हॉस्पिटल। आश्रम में तो वो रह नहीं सकती थी। जब से कुंती को पता चला है कर्ण चला गया है, वो बेहोश पड़ी है, आज भी वो हॉस्पिटल में बेहोश है। देखना, वो कर्ण के लिए एक दिन ऐसी रोती बिलखती मर जाएगी। पता नहीं क्या होने वाला है। हॉस्पिटल से फोन आया था कि बेचारी कुंती की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। क्यों, सरला दीदी कहाँ है? वो तो यहाँ नहीं है। सरला दीदी नहीं तो किसी ट्रस्टी को फोन करो, समारोह में गोद लेने के लिए तो काफी लोग आए होंगे। लेकिन जब एक आश्रम की औरत हॉस्पिटल में अकेली पड़ी है तो उसे देखने के लिए कोई नहीं। कितने मतलबी और स्वार्थी लोग हैं ये सब, बस बच्चा गोद लेने तक का मतलब, उसके बाद कोई जिए या मरे उनकी बला से। नमस्कार सर। लेकिन आप तो कल आने वाले थे। हाँ, आ तो जाता, लेकिन रास्ते में एक स्कूल के उद्घाटन के लिए रुकना पड़ा। सर आप कल नहीं थे तो महिला नवजीवन आश्रम का सिल्वर जुबली का फंक्शन हो गया। मालूम है मुझे, सूरजमल से बात हुई थी। सर लगता है वो आश्रम में कोई प्रॉब्लम हुआ है, कल से लेके आज तक बहुत फोन कॉल्स आ चुके हैं। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? सर आश्रम में कुंती नाम की एक लड़की है जिसके बच्चे को उसकी गैर मौजूदगी में दूध दिया गया। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आश्रम के बच्चे तो दूध दिए जाते हैं। जी सर, लेकिन जब कुंती आश्रम में आई और उसे यह समाचार दिया गया तो वो बेहोश होकर गिर गई। फिलहाल वो अभी अस्पताल में है। क्या सर, उनकी हालत काफी गंभीर है और ऐसे में आश्रम की संचालिका सरला जी भी वहां नहीं। सरला जी कहाँ गई? किसी को कुछ नहीं पता सर, गेस्ट हाउस में रहने को गई थी लेकिन अब वहां नहीं। लेकिन कुंती का ट्रीटमेंट चालू कर दिया गया है। लेकिन सर ऐसे में आश्रम के कोई जिम्मेदार व्यक्ति का वहां होना बहुत जरूरी है, और डॉक्टर का भी यही ख्याल है, यही मानना है कि कोई जिम्मेदार वहां होना अच्छा है। मिस्टर वर्मा, ये तो सचमुच परेशानी की बात है। जी सर, वो तो आपके लिए भी पूछ रहे थे, लेकिन आप तो शहर से बाहर थे। मैं अभी हॉस्पिटल जाके उस लड़की के बारे में जानकारी लेता हूँ। जी ओके सर। प्रभा,
प्रभा प्रभा देखो तो ये उस समारोह की फोटो की एल्बम, देखो तो तुम्हारी बेटी कैसी लग रही है। मत दिखाओ मुझे, कि उसका चेहरा देखकर मैं रो ना पड़ूं। प्रभा कभी कभी तुम तो मेरे समझ में नहीं आती हो, जिस बेटे को हमेशा भला मानकर टालती रही आज उसी के लिए इतना मोह हो रहा है। कोशिश तो बहुत की थी लेकिन अपने आप को रोक नहीं पाई। ये देखो गवर्नर सूरजमल जी और सरला दीदी, हर उनकी गोद में एक कण। कितना सुंदर लग रहा है ना, देखो इसके माथे पर ये तिलक किसने लगाया? वो जो स्वीडन से आई थी जिन्होंने कर्ण को गोद लिया उन्होंने। इस तस्वीर में कितना सुंदर लग रहा है, अपनी छोटी छोटी आंखों से ऐसे दिख रहा है जैसे जैसे अपनी माँ कुंती को ढूंढ रहा हो, है ना? और इस वक्त बेचारी कुंती नागपुर में भटक रही थी, ना उसका वो सहारा रहा और ना ये। जिस दिन आई थी उस दिन उसे कितना समझाया था कि पाप है कलंक है, इससे ज्यादा मोह मत कर वरना जी नहीं पाएगी। आखिरकार ये हुआ, जब तू नागपुर से आश्रम में आई तब तुम होती तो देखती, पूरे आश्रम में पागलों की तरह कर्ण को ढूंढ रही थी। फिर उसे किसने बताया कि कर्ण कहाँ है? हिम्मत जी ने, मैंने उन्हें बताया। हिम्मत जी के बताते ही कुंती ने क्या हंगामा किया। हे भगवान, इस बेचारे का दुख कैसे देख पाऊंगी। माया एक काम करोगी, कुंती के हॉस्पिटल से आने पर ये फोटो उसके सामने नहीं आने चाहिए, वरना इन फोटोग्राफ्स में करण का चेहरा देखकर वो अपना गम भुला नहीं पाएगी। ठीक है, मैं इसे ले जाकर सरला दीदी के ऑफिस में रखती हूँ। देखिए आप प्लीज लेट जाइए, प्लीज लेट जाइए, देखिए आप प्लीज लेट जाइए, होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए, रिलैक्स रिलैक्स। देखिए जब तक इंजेक्शन का असर रहता है ये सूती रहती है, असर खत्म होते ही इन पर सी जगह दौरे पड़ते हैं। कुंती बेटी मुझे पहचाना? कुंती जी स्वामी जी आपका धर्म पिता आपको याद नहीं? पिता तुझसे गई है, मेरे तेरे कान को मेरे पास लेके आए, जाओ मैं बिना नहीं जी सकती, ले जाओ मेरे पास। रिलैक्स रिलैक्स, नर्स इंजेक्शन फौरन। आह
क्योंकि अगर आप लोग इनके सामने ना आए तो बेहतर। डॉक्टर साहब, कुंती ठीक हो जाएगी ना? देखिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे कभी कभी इन पर इतने जबरदस्त हिस्टेरिया के दौरे पड़ते हैं, इन्हें संभालना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर आप पैसे की चिंता मत कीजिए, इसके इलाज पर जो भी खर्चा आएगा वो मैं भर दूंगा। डॉक्टर साहब, मेरी आपसे हाथ जोड़ कर कुंती को शीघ्र स्वस्थ कर दीजिए। देखिए स्वामी जी, इनके दिमाग पर बहुत गहरा असर हुआ है, इसीलिए कभी कभी ये डेलिरियम में चली जाती है, और उसके बाद का बिहेवियर तो आप लोग देख ही रहे हैं। आई ट्राई माय लेवल बेस्ट, आगे बढ़िए। बहुत बहुत हालत खराब हो गई, कष्ट भी बहुत बड़ा है त्रिभुवन जी। वो एक माँ है, और माँ अपने बच्चे का बिछड़ना कैसे सहन कर सकती है? स्वामी जी, कुंती जी के बेटे को गोद देकर उनके साथ अन्याय किया गया। हिम्मत, हम यहां न्याय अन्याय की परिचर्चा करने नहीं आए हैं।